हाय मैम, गुड हेलो इवनिंग. जी जी गुड इवनिंग। एक्चुअली मैंने आपका प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी देखा था. तो प्रीवियस इसमें मेरे भाई और भाभी के 2-3 साल पहले शादी हुए, और वो इतना भी चाइल्ड के लिए पजेसिव है. लेकिन मेरे भाभी के मोबाइल नंबर में, मैंने रिकॉर्डिंग देखने के बाद मुझे अभी ये पता चला है कि भाभी के मोबाइल नंबर में 23 भी है और 62 भी आ रहा है. तो तो दोनों ही प्रॉब्लम बहुत देते हैं वो, तो अभी हम देखेंगे। बराबर, तो दो बहुत कंसीविंग का प्रॉब्लम आ रहा है मैम उनमें. अभी बहुत ट्राई कर रहे हैं हम लोग अभी. तो अब भाभी को बता देना कि इस नंबर को सही कर लो, हो यस जाएगा। मैम, यस करेक्ट मैम, सोचो थैंक यू. इतना सिंपल सा सॉल्यूशन है, इतना सिंपल सा सॉल्यूशन किसी चीज से मिलेगा आपको? सोच के देखो। हम सिर्फ हम ना कुंडली देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, फिलहाल सिर्फ हम डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, वो सॉरी हम सिर्फ मोबाइल नंबर देख रहे हैं और सिर्फ उससे प्रिडिक्शन कर रहे हैं एक एक पेयर से। मैम, जो आपने डेमो सेशन किया था ना, उसमें जो नंबर्स बताए थे आपने, वो और अभी अभी जो बोल रहे हो ना, वो मेरे सिस्टर इन लॉ और जो ब्रदर इन लॉ, मतलब मेरे जीजा जी और दीदी ननद है, तो उनके नंबर में है. और अभी रिसेंटली उनके इतना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे इतना इशू चल रहा है ना, इतना इशू फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा. और मतलब अभी तो हमने नहीं देखा, लेकिन प्रीवियस में जब हम लोगों की शादी हुई थी, तो दीदी बताती है कि उस टाइम पर जो जीजा जी थे उनका थोड़ा एक्स्ट्रा था, मैरिटेड अफेयर वगैरह ऐसा कुछ. मैरिटल अफेयर। और अभी वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, मैंने दोनों वर्क भी. देखा है ना, तो सारे सेक्टर्स खराब कर देता है इंसान के 24/42। अभी तो मतलब मैम ये कंडीशन है ना कि मतलब सब कुछ दे दो, भेज देंगे ना, तब भी बहुत मुश्किल है उससे निकलना, इतना कंडीशन खराब है. हमको तभी भी तो से वर्स्ट की अभी, कैटेगरी में डाला ना इसको। हाँ यस, अभी जो आपने डेमो सेशन दिया था ना, उसके 2-3 दिन पहले ही हमको सब कुछ पता चला था. अब आप वही, तो मैंने तभी तो उसको आई ओपनर बोला है ना। सुष्मिता अनम्यूट कीजिए। हेलो जी जी मैडम, ये नंबर मतलब 52 है हमारे पास, मेरी मम्मी के पास है, उनके पास 14 भी है, 61 भी है, मतलब सारे क्वालिटी जो भी है ना, कॉम्बिनेशन है पूरा. वो जो बोलती है सच हो जाता है. उनके हस्बैंड का तबियत हमेशा खराब रहा, जॉइंट प्रॉब्लम भी रहा, और उनका माइंड इतना फ्लक्चुएट होता रहता है, मूडी भी रहती है, डिप्रेस भी रहती है, फैमिली को लेके, अपने आप को लेके भी ज्यादा पॉजिटिव भी रहती है. ये सारा कुछ हो चुका है. और वैसे 61 मेरे नंबर में भी है. मेरे हस्बैंड का माइंड भी बहुत स्विंग होता रहता है, कब गुस्सा होता है और क्यों गुस्सा होता है कुछ पता ही नहीं चलता है. हेल्थ का कुछ मेजर इशू नहीं है, ऐसा कोई बड़ा बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उनको लगा ही रहता है. वो अपने हेल्थ को लेके ज्यादा ही पॉजिटिव है, लेकिन इतना करने के बाद भी वो मेडिकल से उनका नाता टूटता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ दवाई खाते रहते हैं. तो भाई बात वही बात हो गई ना, 1661 स्पाउस को हेल्थ इश्यूज दे रहा है ना, तो वो लॉन्ग टर्म चल ही रहे हैं ना उनके साथ। हाँ, मतलब शादी से मैं देख रही हूँ, अभी 27 साल हो गए हैं शादी को, तब से दवाई खा ही जा रहे हैं वो. अब ये कम बात है, इसको हाँ कम समझ रहे हो आप? 27 साल से कोई आदमी दवाई पे चल रहा है, ये कम बात है? हाँ और मेरी बेटी का 83, 25, ये सारे कॉम्बिनेशन है उसका. शादी को लेके मैं ज्यादा वरीड रहती हूँ, लेकिन अभी तक कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आ रहा है उसके लिए. 38 तो पढ़ेंगे ना अभी, कि 38 कितना खतरनाक है, परसों पढ़ेंगे हम। हाँ, 38 भी है, 83 भी है, और 25 अभी कॉम्बिनेशन भी है. आप 38-83 में सुनना, धुआं निकल जाएगा कान में से जब और लोगों का सुनोगे। तो हाँ, तो वो 25 सारे वाला है भी, ना आपका, जो बात हो बोलते हैं वो लग जाती है ना। हाँ 25 भी है, 14 का भी है, और 61 हाँ का भी है, और 83 जो आप बोले थे ना, तो वो हाँ 61 का मेरे भाई का भी है. वो हस्बैंड वाइफ हमेशा झगड़ा, डिस्टर्ब भी रहता है उनका रिलेशन. और मेरे भाई का भी 41 है, तो उसके वजह से पापा भी जल्दी चले गए, डेथ भी हो चुका है तो लगभग सारे. हाँ लगभग सारे ही हो चुके हैं. सही है फिर, है ना? ठीक, हाँ, थैंक यू मैडम. ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू।